सर साहब मुदस्सर हुसैन खैबर टीवी से। सर आपकी इंडस्ट्री से मुताबिक मेरा क्वेश्चन ये है कि रशियन ऑयल की फैट स्टोरी क्या है, आया ये जो एक्सपेरिमेंट रहा इट वाज सक्सेसफुल और नॉट, और इट वाज टॉक्टेड लाइक कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की पब्लिक को कोई बहुत ही डिस्काउंट मिलेगा। सोशल मीडिया भरा हुआ था, आपके कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसे थे जिससे ये इमेज बन रहा था कि कोई बहुत पॉजिटिव पाकिस्तानी आवाम को फायदा होगा, तो क्या एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ जी हाँ और आगे आगे पाकिस्तान मॉस्को से मजीद ऑयल लेने का इरादा रखता है या नहीं? जी दोनों सवालों का जवाब है यस, एन एब्सोल्यूट यस। हमने हर चीज को सामने, मैंने कई दफा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गालिबन आपसे मेरी नहीं हो बात नहीं हो पाई, मैं दोबारा से रीस्टेट कर देता हूं। जो हमने डील की है रूस के साथ उसमें किसी भी हालत में कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान को बेइंतहा फायदा ना हो। यानी क्या चीजें हैं जो मैंने आपके से पहले भी पेश की, आज भी करता हूं। नंबर एक कि कीमत ट्रांसपोर्टेशन की इजाफी है जब रूस से तेल लाए। नंबर दो कीमत इंश्योरेंस की ज्यादा है क्योंकि रूस को बैन अलाक्वामी सतह पर री इंश्योरेंस नहीं मिलती। नंबर तीन जब वो आप तेल इस्तेमाल करते हैं खाम तेल जो वो लाइट नहीं थोड़ा हैवियर है, अगरचे वो लाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रूस में 8 मुख्तलिफ इकसाम के या 9 मुख्तलिफ इकसाम के खाम तेल हैं जिसमें से यूरोल जो है वो सेकंड लाइटेस्ट है, और हम सेकंड लाइटेस्ट क्योंकि अवेलेबल था उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी रिफाइनरियां जो हैं वो अरेबियन लाइट पे बनी हुई हैं, इस वजह से जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा हमारा जो ब्लैक ऑयल है जिसको फर्नेस ऑयल कहते हैं वो थोड़ा बढ़ जाता है, मगर उसको हमने मॉडल किया है कि फर्नेस ऑयल बढ़ने के बावजूद, इंश्योरेंस की कीमत बढ़ने के बावजूद, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत के बावजूद जो हमने डील किया उसमें पाकिस्तान को बे इंतहा फायदा है, और कोई सूरत हाल नहीं है जो अब सामने टेस्ट भी हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान को फायदा ना हो। अब बात दूसरी है स्केल की। अभी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं PRL में, हमने पारको से दरखास्त कर दी है कि अगली मरतबा दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी रिफाइनरी है उनके बोर्ड से, हमने क्योंकि उसमें और भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको दरखास्त की है कि अब वो भी लेना शुरू कर दें आने वाले वक्त में। तो अभी तो हमने 1,00,000 टन लिया है, मेरा ख्याल है जब ये जैसे बतदरीज और बढ़ता चला जाएगा, हम इस वक्त फाइनलाइज कर रहे हैं एक और अगले कार्गो के लिए, जैसे हमारा ये कार्गो इस्तेमाल हो रहा है नए कार्गो के लिए बातचीत उनसे फाइनलाइज कर रहे हैं, तो जैसे ये बतदरीज बढ़ता चला जाएगा और एक रवानी से रूसी तेल पाकिस्तान में आता चला जाएगा तो आपको इसके आसार जो है वो नज़र आ जाएंगे। अभी नज़र इस वजह से नहीं, ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, मगर वो फ़ायदा इतनी थोड़ी क्वांटिटी 1,00,000 टन के ऊपर हो रहा है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त कीमत की शक्ल में आपके सामने नहीं आ रहा। जी एक UAE के साथ हो रहा है, एक अजरबैजान के साथ हो रहा है, मैंने कहा साथ के साथ में जी 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 और इसके बाद आलमी मार्केट में भी कीमतें कम हैं, जी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ रिलीफ उनको पेट्रोलियम जी जी मेरे ख्याल में जी मेरे ख्याल में मिलेगा। देखिए दो तीन अहम चीजें होती हैं जिनमें इस वक्त हमें कुछ खाम तेल की कीमत जो ट्रेड हो रहा था नीचे आई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, मगर ठीक है अभी विद इन रीजन है, ऐसी नहीं है कि जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है खाम तेल की बैन अलाक्वामी कीमत जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरी बात यह कि जब हम तेल खरीदने जाते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं, जब पेट्रोल पम्प पर बेचते हैं तो रुपयों में बेचते हैं, तो हमारे पास थैलियों में बहुत से रुपये आ जाते हैं, फिर हमें उनसे डॉलर खरीदने होते हैं, अगर डॉलर महंगा हो जाए तो फिर वो ज्यादा रुपए दे के हमें डॉलर खरीदना पड़ता है जिससे हम बैन अलाक्वामी मंडी में जाते हैं। तो जो अहम चीजें हैं वो बैन अलाक्वामी कीमत है और रुपए और डॉलर का तनासुब है दूसरी अहम चीज, और तीसरी जो है कि हम किस भाव पे उनके साथ डील कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि बैन अलाक्वामी सतह पर कीमतें कुछ नीचे आई फिर थोड़ा ऊपर गई, मगर ठीक है स्टेबल है। दूसरा अभी पिछले दिनों डॉलर और रुपए के तनासुब में बेहतरी आई है जो अब आने वाले वक्त में आप उसके आसार आपके सामने आएंगे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि जो हम डील्स कर रहे हैं, हम इस वक्त 2 पेट्रोल के कार्गोज की शिप्स की डील कर रहे हैं G2G की बुनियाद पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जो फाइनल स्टेजेस पे, हमने अपना कागज भेज दिया उनकी कंसिडरेशन के लिए। एक कार्गो जो है हम डील के खदोखाल तय करके आ गए हैं अजरबैजान से, वो भी पेट्रोल की डील है।
इन दोनों डील्स में जी टू जी अग्रीमेंट जैसा हमारा डीजल के लिए कुवैत से है, उसी तर्ज पे हमने ये डील्स स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये होगा कि हमारे हमें जो प्रीमियम देना पड़ता है, जो पिछले दिनों डीजल का प्रीमियम $18 हो गया था, $20 भी हो गया था, वो जब आप ये डील्स करते हैं तो आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है, तो आपको $6-$8 का हर बैरल पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है जो अवाम को पास होगा। तो ये दो डील्स हैं। फिर आपको LNG के हवाले से आपको पता है कि आज़रबाईजान के साथ हमने डील के खदोखाल मुकम्मल कर दी है, वो भी साइन होने वाली, जिसमें एक लो कॉस्ट कार्गो जो है वो हर महीने पाकिस्तान को ऑफर करेंगे। पाकिस्तान की मर्जी, अगर उसके बारे में आता है, अगर उसके पास वो डॉलर्स हैं, अगर उसको ज़रूरत है, अगर ये सस्ता तरीन फ्यूल है तो वो ख़रीद ले। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए बतदरीज कीमत फ्यूल्स की, तमाम फ्यूल्स की नीचे लाई जा रही है। मैंने भी नहीं किया। नहीं यार, नहीं मैंने ये नहीं जी, मैंने 3-4 बातें की। मैंने सर पहली बात तो ये की है कि कौन कह रहा है, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी से, और अगर आप उसको डिस्प्यूट करना चाहें तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जाके इजरायली बर्बरियत की जरा वो वीडियोस देख लें, तो हो सकता है आपको आप भी वही बात करें जो मैं कर रहा हूं। दूसरी बात मैंने जो कही उसमें भी कोई शक नहीं कि क्या कह रहा है। पाकिस्तान की 70-75 साल की तारीख में आज क्यों याद आ रहा है इसराइल को, क्या हुआ है पाकिस्तान में? 9 मई हुआ है ना, उसके अलावा क्या हुआ है? पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ भी रहे हैं, पाकिस्तान में तो ना जाने क्या क्या होता रहा है, तो इससे पहले तो भाई कभी किसी को ख्याल नहीं आया, तो ये 9 मई के बाद क्या इनकी रूह जागी? तीसरी बात जिसका मैंने आपको कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, और मैंने फिर आपको बताया, आपको एविडेंस बताया कि वो क्या कह रहे हैं, किसके मुतल्लिक कह रहे हैं, तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मानना चाहें माने। जो साइफर वाली बात है वो तो मैंने नहीं बनाई है, जो हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे थे अमरीकी कांग्रेस वुमन के सामने, वो बात तो मैंने नहीं बनाई है। जो डेविड फेंटन को जाके हायर किया, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात के खिलाफ 30 साल से काम कर रहा है, उसको कंसल्टेंट के तौर के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दे के पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलवाई, वो मैंने तो नहीं चलवाई है। तो चौथी बात आप इग्नोर कर दें, पहली तीन देख लें, तो फिर आपको सारे सवाल के जवाब मिलते चले जाएंगे। सर ये बताइएगा कि आप इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, एक हमारा पाकिस्तानियों का हक भी है गैस के कनेक्शन मिल, गैस के कनेक्शन बंद है जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके ऊपर क्या? देखिए गैस हमारे पास है नहीं, हमारी हर साल जो है वो 9% गैस कम होती जा रही है। इसकी वजह से आपने देखा कि इस दफा मैंने आपके सामने प्लान रखा और स्टिक किया उस प्लान को, मैं 2-3 घंटे सेक्रेटरी साहब और मैं रोज़ सुबह एक एक, जिसको आप TBS आप समझ लीजिए कि TBS होता है जैसे आपके यहाँ ये ट्रांसफार्मर लगे हुए, एक एक ट्रांसफार्मर मुल्क का हम देख रहे थे गैस का, जिसको TBS कहते हैं, कि वहाँ से कितनी गैस जा रही है किस महल्ले में, ताकि जो हमने वादा किया था कि सुबह को दोपहर को और रात को गैस मिले वो मिले। 9% कम होने के बावजूद उन औकात में 90-95% प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर उसके ऊपर अलहदा आंखें रखे था, और हमें यानी पहले तो एक आध महीना उनको रिपोर्ट लेते थे हमसे, फिर उनको समझ आ गई कि ये तो 95% जगहों पे पहुंच रही है गैस।